नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस कार्यक्रम शिखर से शिखर तक में। दोस्तों, मेरी जो आज की मेहमान है वो है फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी, जो कि एक साहित्यकार पिता के संरक्षण में पली बढ़ी और आज इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। तो आइए जानते हैं हिमानी शिवपुरी जी से उनके इस जर्नी के बारे में। आपका मेरे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हिमानी जी। धन्यवाद किरण। तो हिमानी जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप उत्तराखंड को बिलोंग करती हैं, देखा जाए तो आपका बचपन उत्तराखंड में ही बीता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप स्पेशली हमारे दर्शकों को बताइए कि आप वहां पर मतलब किस जगह को बिलोंग करती हैं, कहाँ आपका बचपन बीता, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं पैदा हुई देहरादून में और वहीं मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और कॉलेज भी वहीं किया। और वैसे मेरा पैतृक गांव भटवाड़ी है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बस मेरा बचपन और जवानी भी लगभग कुछ जवानी के साल देहरादून में, वहां पे पहले डून स्कूल में मेरे पिताजी डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश वहाँ पर हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे और वहीं पर मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद मैंने एमकेपी से अपना ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन डीएवी से किया वहाँ पर देहरादून से। और वहीं पर ही मैं थिएटर करके मेरे मन में इस कला के प्रति प्रेम जागृत हुआ तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। जी जी, हिमानी जी, जैसे कि आपके फादर भट्ट जी जो थे तो वो एक साहित्यकार थे काफी अच्छे, तो एक साहित्यकार की बेटी एक्टिंग में आना, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जैसे कि आपने कहा मेरे पापा साहित्यकार थे, तो मतलब आई थिंक हिंदुस्तान में वही एक बात साहित्यकार है जिन्होंने पहाड़ों के बारे में इतना लिखा है। उनकी उन्होंने गढ़वाली भाषा के ऊपर भी किताब लिखी है, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। तो हमारे घर में जैसा कि आपने कहा पिताजी साहित्यकार थे, तो बड़ा साहित्यिक सा माहौल था। और मेरे पिताजी क्योंकि कुछ समय भटवाड़ी से भाग कर, उस टाइम उनके गांव में ऐसा चलन था कि बच्चों को अगर ज्यादा पढ़ाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरे दादाजी ने शायद उनका स्कूल वूल बंद करा दिया। तो मेरे पिताजी उन्होंने पहाड़ से भागे और पहले ऋषिकेश आए और फिर उनका एक रिश्तेदार कलकत्ता में काम करता था तो कलकत्ता गए। तो कलकत्ता के माहौल से मेरे पिताजी बड़े प्रभावित हुए कि वहाँ, पापा बताते थे कि वहाँ कहीं से रविंद्र संगीत की आवाजें आ रही है, कहीं पेंटिंग चल रही है, तो वो इस बारे इस वो मानते थे कि बच्चों को भी सब चीजें आने चाहिए। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कराई, पेंटिंग की क्लासेस में मैं जाती थी और भरतनाट्यम मैंने सीखा। और साथ में पापा डून स्कूल में वो गढ़वाली प्रोग्राम करते थे, जैसे कोई नाटक हो गया या गढ़वाली गाने हो गए, फोक म्यूजिक हो गया, तो उस पे हम लोग डांस वांस करते थे। तो इस तरह एक रुचि पैदा हो गई। हमारी फैमिली से कोई वाकई इस फील्ड में तो नहीं था, तो जब मैंने ये निर्णय किया था तो सब बड़े भौचक्के रह गए थे क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार थी और उस दौरान जब मैं पढ़ रही थी तो ये होता था कि जो इतनी सारी वो नहीं थे चॉइसेस और ऑप्शंस, जैसे आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस है किसी के आगे। उस टाइम तो सिर्फ दो चीज होते थे, जो पढ़ाई में होशियार थे वो साइंस में चले जाते थे और जो थोड़े से ऐसे टाइप होते थे वो आर्ट्स में चले जाते थे। तो मैंने साइंस लिया और मैंने ऐसे बीएससी किया, एमएससी किया और साथ में मैं नाटक करती रही। स्कूल से मैंने नाटक करना प्रारंभ किया था, पिताजी भी नाटकों का निर्देशन करते थे, उनके नाटक में हमने काम किया था। और ऐसे कॉलेज भी करती रही तो नाटक अव्यवसायिक रंगमंच किया मैंने। तो ऐसे एक साहित्यकार की बेटी की रुचि इस क्षेत्र में हो गई।
जी, तो जैसे कि हिमानी जी आप पढ़ने में भी काफी अच्छी थी, अभी आपने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी की थी, तो उसके बाद हिमानी जी आपने जो ये अपना करियर मतलब एनएसडी जाने का डिसाइड जब आपने किया, तो आपको कहीं ना कहीं खुद पर शायद बहुत ज्यादा विश्वास होगा कि आप मतलब इतना स्कॉलर बच्चा एकदम से सडनली ये डिसाइड करे कि नहीं मुझे एनएसडी ज्वाइन करना है, तो क्या था, कितना विश्वास था आपको? मैं बताती हूँ, क्योंकि खुद का विश्वास, खुद पे विश्वास तो शुरू से ही था, क्योंकि हमारे पिताजी ने ऐसा हमको, हमारी लालन पाषण पोषण ऐसा ही हुआ था कि पिताजी ने कभी, मेरे पापा ने कभी लड़की और लड़के में फर्क नहीं दिखाया उस टाइम पे। और उस टाइम पे उत्तराखंड की एक लड़की सोचे कि इस फील्ड में आ रही है तो ये अपने आप में, आई थिंक उसका श्रेय मैं अपने पूरे पिताजी पर ही को ही देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको इतना स्वावलंबी बना दिया था। आई रिमेम्बर मम्मी होती थी, वो कहती थी अरे ये क्या, क्योंकि मैं डिबेट्स भी करती थी, डांस भी करती थी, थिएटर पढ़ाई तो करती थी, तो मम्मी कहती थी अरे इसको घर का काम भी तो आना चाहिए। तो मेरे पापा कहते थे क्यों तुम अपने बेटे को नहीं कहती, तो इसको ये क्यों, इसका जो इसकी रुचि है वो करेगी। तो इस तरह मम्मी को तो लगता था पापा बिल्कुल बिगाड़ रहे थे, तो मैं ये सब नाटक डिबेट और डांस ये सब करती रहती थी। लेकिन हाँ मेरी उस टाइम ये इच्छा थी कि मैं या तो बायोकेमिस्ट बनूंगी या डॉक्टरी करूंगी। लेकिन थिएटर जब करती थी तो उसमें भी बड़ा मजा आता था। तो एमएससी के दौरान वो जो हम सुबह से लेके शाम तक वो जो लेक्चर्स होते थे और फिर प्रैक्टिकल की क्लासेस होती थी, तो जो शाम को दो घंटे थिएटर करती थी, मुझे याद है साइकिल से हम लोग जाते थे वातायन और दो चार वहां पर ग्रुप्स थे उनमें मैं काम करती थी और लौटती थी साइकिल से ही, और वो जो दो घंटे बिताती थी उसमें इतना मजा आता था। और उस दौरान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कुछ लोग आए वर्कशॉप करने के लिए, तो तब मेरे दिमाग की कहते हैं ना कि ट्यूबलाइट जली, मैंने कहा दिस इज वेयर आई वांट टू गो, क्योंकि ये अब तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में काफी लोग जानते हैं, लेकिन उस वक्त इतना कुछ नहीं जानते थे क्योंकि ये ऑप्शन था ही नहीं, खासकर उत्तराखंड तो तब बना भी नहीं था, उस टाइम उत्तर प्रदेश था और उत्तर प्रदेश में तो ये सब बिल्कुल नौटंकी की तरह समझा जाता था। तो तब मैंने ये तय किया कि मैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊंगी। और मैं बताना चाहूंगी कि मेरे को उस टाइम स्कॉलरशिप भी मिली थी, मैंने कहा मैं पढ़ने में होशियार थी, एमएस अब्रॉड करने की, तो मैं भी चुपचाप से मैंने वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली और साथ में एनएसडी का भी इंटरव्यू दे दिया। और जब सिलेक्शन लेटर आया तब मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भैया मैं तो एनएसडी जा रही हूँ। तो सबने समझाया मुझे और डांटा भी, मतलब मेरे सब रिश्तेदार तो मतलब बहुत ही खिलाफ हो गए थे, और बल्कि पूरा शहर, क्योंकि छोटे शहर में क्या होता है कि सब एक दूसरे को इतने अच्छी तरह से जानते थे, और मैंने काफी छोटी मोटी जो ख्याति प्राप्त कर ली थी, सब कहते थे भट्टी की लड़की बहुत होशियार है, तो मतलब पढ़ाई में भी, और उनको ये था कि देखो अब अमेरिका भी जा रही है पढ़ने के लिए, वो भी अपने बलबूते पर। जब उनको पता चला कि ये थिएटर करने जा रही है, तो मेरे रिश्तेदार भी बहुत डांटे, क्या भांड और नौटंकी करेगी तू, और पापा ने भी समझाया, और देहरादून के लोग भी कहने लगे भाई भट्ट जी की नौनी तो देखो पागल हो गई, क्या हो गया, दिमाग खराब, भट्ट जी को चाहिए कि समझाए उन्हें। तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की कि देखो बेटा तुम अमेरिका हो आओ, और ये तो ऐसा शौक है तुम्हारा, तुम कर भी सकती हो बाद में। तो मैंने पापा को एक बात बोली कि देखो पापा, हो सकता है कि जब मैं 40 साल की हो जाऊंगी, अभी मुझे अपने लॉजिक सुन के बड़ी हंसी आती है, अगर मैं 40 साल की हो गई और हो सकता है मेरे पास पैसा होगा, लेकिन मेरे मन में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी ड्रीम को फॉलो नहीं किया। और तो मेरे पापा एकदम चुप हो गए, और उन्होंने मेरी इस ड्रीम का, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया, वो आए मुझे दिल्ली लेकर आए एनएसडी में, और एडमिशन करवाया मेरा, और इस तरह मेरा ये करियर की शुरुआत एनएसडी में, ट्रेनिंग एनएसडी, क्योंकि अब
घर से मतलब एक तरह से जिद करके आई थी, तो ये था कि अब थिएटर ही करना है, तो कैसे कैसे, और घर से भी स्वावलंबी थे, घर से पैसा नहीं लेना है, पहले तो स्कॉलरशिप से सरवाइव करते थे। और यूपी में उस टाइम यूपी था, उत्तर प्रदेश ही था, बड़ा ब्लीक था थिएटर का सिनेरियो, कि आप थिएटर से सरवाइव नहीं कर सकते थे। तो एकमात्र ऑप्शन था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रेपर्टरी कंपनी थी, जो कि उस वक्त 600 रुपए देती थी, सोचे तो वो मैंने रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन करी एज एन अप्रेंटिस। तो वही मतलब 600 रुपए में हम लोग गुजारा करते थे एक किराए का, वो वहां पे रेलवे क्वार्टर्स थे, तो उनको उनको कुछ सर्वेंट क्वार्टर्स मिले हुए थे, तो ऐसी स्ट्रगलिंग जो दिल्ली के थिएटर के आर्टिस्ट थे एनएसडी के, उनको दे देते थे। तो वो मतलब 200 रुपए कमरे का किराया और बाकी से अपना हम खाना पीना चलाते थे, लेकिन घर से पैसा नहीं मांगा। और इस तरह एनएसडी रेपर्टरी कंपनी मैंने ज्वाइन की, फिर पहले तो अप्रेंटिस थी, फिर सीक्रेट आर्टिस्ट, फिर बी ग्रेड, फिर वहां की लीडिंग एक्ट्रेस बनी। और इस तरह से थिएटर मैंने वहां पे 10 साल थिएटर किया दिल्ली की एनएसडी रेपर्टरी। हिमानी जी, एक चीज मैं आपसे और आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया था कि जब आपने एनएसडी ज्वाइन करने का डिसाइड किया था, उस टाइम पे रिलेटिव्स ने काफी अपोज किया था कि कहां भटजी की नोनी क्या मतलब इस तरीके का करेगी, है ना। तो और उसके बाद जब आप एक वहां पे अपनी जगह बना चुकी थी, उस वहां पे काफी अच्छी जगह आपने बना ली थी, थोड़े टाइम पे आप सक्सेसफुल हो गई थी, उसके बाद जब आप वापस गई देहरादून, क्या रिएक्शन था लोगों का थिएटर से? तो देखिए, थिएटर जब मैं करती थी, हालांकि आई बिकेम वन ऑफ द लीडिंग एक्टर्स ऑफ एनएसडी रेपर्टरी, बहुत अच्छे अच्छे नाटक मैंने किए, लेकिन लोग इतना जानते नहीं थे। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण काफी लोगों को बताती हूँ, शायद पता नहीं आपको पता भी, कि हम लोग हमारा टाइमिंग उसी तरह था, सुबह 9 से लेके 5 बजे तक गवर्नमेंट का जैसा होता है, और खाली जब हम शोज करते थे तो शाम को भी हम लोग को रुकना पड़ता था। तो वही अब कैसे, हम लोग स्ट्रगलिंग थे थिएटर के लोग, अब शादी भी हो गई तो हम लोग जमुना पार किराए के मकान में रहते थे, मयूर विहार, अब तो खैर बहुत पॉश एरिया बन गया वो भी दिल्ली का, पर उस वक्त वहाँ के स्ट्रगलिंग लोग, वहाँ गरीब तबके के लोग रहते थे जमुना पार, उनको कहते थे जमुना पार। और तो वहाँ की जो बसेस होती है जो कि ऑफिस वालों को लेके आती, तो उसमें बैठ के मैं सुबह आती थी और शाम को जाती थी। तो ऐसी जैसे बस में लोग बैठे रहते, जानते हैं मतलब एक दूसरे को रोज देखते हैं, फेमिलियर फेस, तो ऐसे मुझसे पूछते थे कि आप क्या करती हैं, वो सोचते कि मैं किसी ऑफिस का नाम ले ली। तो मैं उनको बोलती थी कि मैं थिएटर करती हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करती हैं आप, मतलब वो इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि ये मेरा प्रोफेशन है। देहरादून में मैं आपको प्रतिक्रिया, जब मेरी मेरे देहरादून मतलब मैं उनकी नजरों में तब मतलब उठी दोबारा से, जब मैंने अपना पहला धारावाहिक किया हमराही, वो उसमें मेरा एक किरदार था देवकी भौजाई का, वो बहुत पॉपुलर हो गया। और सडनली उस टाइम मीडिया इतना पावरफुल नहीं था जितना आजकल है, आजकल तो यूट्यूब से भी स्टार बन जाते हैं, लेकिन उस टाइम दूरदर्शन क्या था, एक ही दूरदर्शन था, तो आप घर घर लोगों के पहुंच जाते थे। तो जब मैं देहरादून आई तो मेरा वहां के टाउन हॉल में नागरिक अभिनंदन हुआ। अच्छा। तो मन में तो मुझे बड़ी हंसी आई कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, आज वो मेरा नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं कि मुझे सब जानने लगे, क्योंकि दूरदर्शन टेलीविजन आपको हर एक के घर में पहुंचा देता है। उसके बाद से मुझे अपने परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई मैं थिएटर करती हूँ या टीवी। अरे हाँ, देवकी भौजाई, देवकी भौजाई, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है हमारे साथ कि जो किरदार करते हैं उस वक्त उस वक्त का नाम लेने लगते हैं। तो एक चीज और हिमानी जी, आपकी ज्ञान शिवपुरी जी से मुलाकात कब और कैसे हुई? ज्ञान शिवपुरी जी मेरे सीनियर थे, आई थिंक 3 साल सीनियर थे या 4 साल, वो पास आउट कर गए थे। तो मेरी ज्ञान जी से पहली मुलाकात हुई थी जब मैंने एनएसडी ज्वाइन किया था, तो एक होता था एक रैगिंग सेशन टाइप, वो रैगिंग क्या होती थी कि मतलब फ्रेशर्स का वो लोग
वो ऐसे कुछ बोलते थे कि आप अपना कुछ बताइए हमसे, हमारा रैगिंग ही कह लो उसको। काइंड ऑफ इंट्रो। उस दौरान सीनियर्स भी कुछ करते थे है ना, इंट्रोडक्शन किस्म की। तो ज्ञान जी उस वक्त, ज्ञान मेरे, ज्ञान शिवपुरी बहुत अच्छा गाते थे और म्यूजिक में उनकी कमाल की मास्टरी थी। तो वो उस वक्त वो गजल गा रहे थे सरकती, जगजीत सिंह की, सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, और इतना खूबसूरत गाते थे। आई थिंक उस मुलाकात में, शायद वो पहली मुलाकात थी, मैंने उनको गाते हुए सुना और मैं शायद उनसे बड़ी प्रभावित हो गई। खैर हमारा जो वो संबंध बना, मतलब जान पहचान, वो हम लोग रेलवे क्वार्टर्स में पड़ोसी थे, मतलब वो एक दो और लड़कों के साथ रहते थे और मैं अकेली रहती थी, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी से जो हम लोग कभी स्कॉलरशिप जब नई नई मिलती थी या कभी कुछ चुपके से एक टीवी का प्रोग्राम कर लेते थे तो कुछ पैसे आ जाते थे, तो हम लोग अच्छी सी जगह खाने, अच्छी जगह मतलब बंगाली के नाथू स्वीट शॉप में खाने चले जाते थे। तो ऐसी मुलाकात हुई और धीरे धीरे हमारा मतलब संबंध, प्रेम संबंध हो गया और हमने तय किया कि हम शादी करेंगे। जी जी हिमानी जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि जैसे आपने पीछे एक जिक्र किया था कि आप भटवाड़ी को बिलोंग करती हैं है ना, तो आपका कभी वहां पे आना जाना भी रहा होगा बचपन में, तो कोई ऐसी आपकी यादें बचपन की भटवाड़ी से जुड़ी हुई वो शेयर कीजिए हमारे साथ। भटवाड़ी हम लोग जाते थे छुट्टियों के मौसम में, तो मुझे याद है कि मैं जब जाती थी तो वहां पे गांव में औरतें जाके वो काटती है, घास काटती है, लकड़ियां काटती हैं, तो सब दराती लेके जाती थी जंगल में। तो मुझे याद है मेरी दादी ने भी मेरे लिए छोटी सी एक दराती बनाई थी। अच्छा। और एक पास में बड़ा अच्छा सुंदर गदरा था, ओहो उसका पानी इतना मीठा और ठंडा था, और वहां पर ना संतरे बहुत लगते थे, तो हम लोग पेड़ से संतरे चुराते थे और चीनी मैं कहती हूँ, आई थिंक तभी मुझे लगता है कि हम लोग रात को, मेरे को याद है चाचा ना ऊपर बोरियों में ना चीनी रखते थे, तो मैं और मेरी फुपू बुआ है ना, फुपू कहते हैं हमारे गढ़वाल में, मैं और फुपू हम लोग जाके रात को ना चीनी चुरा के खाते थे। तो ये यादें। जी जी। तो हिमांशी जी, आपकी नजरों में जैसे जब भी आप कोई रोल साइन करती हैं तो क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका कंटेंट या फिर जिसके लिए आप काम कर रही हैं कि वो पर्सन कौन है, आप किसके लिए काम कर रही हैं, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है, पर हाँ प्राथमिकता की रोल कैसा है, क्योंकि एनएसडी से हम लोग आए थे ट्रेनिंग करके और मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मेरी उम्र, मैं एक बच्चे की माँ थी और मैं 30 साल की हो गई थी, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ गलतफहमी नहीं थी कि, क्योंकि उस टाइम जो सिनेमा था अर्ली 90s लेट 80s का, तो उसमें जो हीरोइंस होती थी वो कॉलेज की होती थी, स्वीट 16 है ना, गाने भी होते थे कि मैं 16 बरस की तू 17 बरस का है ना, इस तरह का रोमांस भी होता था। तो ऐसा कुछ गलत फहमी नहीं थी, और चूंकि मैं थिएटर से आई थी और मैंने जब मैं बता रही हूँ कि एनएसडी में मैंने पहला साल में ही पहला नाटक तो विद्या सुंदर किया था कारण जी के साथ, दूसरा जो नाटक किया था एमके रैना जी के साथ वो चेखव का चेरी ऑर्चर्ड किया था, जिसमें मैंने 60 वर्ष की महिला का रेनिस काया मेन रोल है वो किया था। तो ऐसा कुछ हम लोग थिएटर में रोल्स कर चुके थे, ओल्ड यंग पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ऐसे लोग पूछते थे कि आप नेगेटिव भी कर लेती है पॉजिटिव भी कर लेती है, तो क्राइटेरिया यही होता है कि रोल में कितना कितना दम है कितना, और चूंकि मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में आई थी तो मेरे हमेशा प्राथमिकता ये थी कि
लेंथ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए, तो एक दो सीन मिल जाए जिसमें कुछ परफॉर्म करने का कि हमको करने में मजा आए, तो वो आपने शायद अगर वास्तव देखी होगी तो उसमें मेरा सिर्फ दो सीन का रोल है, पर उसमें इतना पावरफुल है कि मैं संजय दत्त को डांटती हूँ। फुल लेंथ रोल्स भी किए हैं बीवी नंबर वन, हीरो नंबर वन में, लेकिन प्राथमिकता होती थी कि रोल में क्या है करने के। और हाँ, ये बात तो जायज है कि आप किन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने पहली फिल्म साइन की थी वो थी सूरज बड़जात्या की हम आपके हैं कौन, तो उसका मेन क्राइटेरिया ये था कि राजश्री लोग थे, क्योंकि एनएसडी में ही थे काफी सारे लोग जो कि पास आउट करते ही बंबई आ जाते थे, जैसे कि मीना गुप्ता हमारी 3 साल सीनियर थी, मीना, आलोक नाथ, ये लोग और आगे सीधे बंबई, और भी कई लोग, लेकिन मेरे को ये था कि मुझे थिएटर करना है। और शायद कोई वो एक छोटे शहर का एक डर होता है कि एक नॉर्थ का ना कि यार फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरी जगह है, वहां नहीं जाना। तो मैं ये कहती थी कि मतलब मेरी शादी भी हुई थी तो ज्ञान शिवपुरी तो थोड़ा फिल्मों से वाकिफ थे, क्योंकि उनके काजिम दादा ओम शिवपुरी थे, वो बंबई में ओम शिवपुरी जी काफी सक्सेसफुल रह चुके हैं, तो वो मैं उनसे कहती थी आप जाओ बंबई में स्ट्रगल करो, मैं इधर थिएटर में खुश हूँ और मैं इधर थिएटर करूंगी, आप बंबई में रहो। वो तो बाय चांस इसमें हमराही में रोल मिल गया तो आना पड़ा, और फिर वो रोल इतना सक्सेसफुल हो गया तो जब मुझे राजश्री वालों ने बुलाया, क्योंकि सूरज जी ने मेरा नाटक देखा था, रेपिट्री से हम लोग टूर करते थे, तो दिल्ली में हम लोग कई शहरों में जाते थे, तो बंबई शहर भी जब आए थे तो मेरे 4-5 नाटक थे जिनमें मेरी मुख्य भूमिका थी, मित्रों मरजानी, आजर का ख्वाब, अंतिम किरण से, बिल्कुल अलग अलग रोग। तो ज्ञान जी उनके साथ काम कर चुके थे राजश्री प्रोडक्शन में, तो उन्होंने बुलाया था सूरज जी को, सूरज जी और उस टाइम राज बाबू जीवित थे, उन्होंने मेरा नाटक देखा था, बहुत पसंद किया था, और वो उन दिनों हम आपके कौन की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि ये स्क्रिप्ट लिख दी थी पर आपकी एक्टिंग से इतनी प्रभावित हुई, उन्होंने मुस्लिम कैरेक्टर के इंट्रोड्यूस किया, तो राज बाबू तो बोले कि आपके लायक रोल तो नहीं है पर क्या आप करेंगी, लेकिन हम लोग दिल्ली सब छोड़ छाड़ कर आ गए थे थिएटर, ये यहाँ पर धारावाहिक कर रहे थे और काम भी चाहिए था, और ये इस बात से मैं आश्वस्त थी कि देखो राजश्री इतने अच्छे, दे आर वेरी वंडरफुल पीपल, बिल्कुल पारिवारिक है। मुझे याद है कि जब ज्ञान जी उनकी फिल्म कर रहे थे बाबुल, तो मुझे हम लोग आए थे प्रीमियर पे, उन्होंने बुलाया था मुझे बंबई और घर पे लंच के लिए बुलाया था, और ताराचंद बड़जात्या उस टाइम जिंदा थे, उन्होंने मुझे एक खूबसूरत सी सिल्क की साड़ी भेंट की थी जो अभी भी मैंने सहेज के रखी है। तो एक तरह से फैमिली फैमिली की फीलिंग थी, तो इसलिए मैंने हम आपके कौन करी वो फिल्म, और वो फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी, उसके बाद मैंने DDLJ और फिर कुछ होता है तो फिल्मों का सिलसिला भी शुरू, उसके बाद तो फिर जो शायद अभी तक जारी है। जब आप NSD ज्वाइन करने आई थी तो आपने तब सोचा था कि आप फिल्में भी एक दिन करेंगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो आपसे कहा ना मैं NSD में जब NSD भी कर रही थी और फिर NSD के बाद भी बिल्कुल मेरा ये कोई मतलब कोई ऐसा इरादा या अभिलाषा नहीं थी। आई वाज वेरी क्लियर कि मैं सिर्फ थिएटर ही करूंगी, और ये अचानक से फिल्म आ गई, और आई ऑल्सो बिलीव इन डेस्टिनी, किस्मत में होगा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने बोला ना मेरे हस्बैंड को थी, तो मैंने कहा भैया तुम करो मैं थिएटर में सुखी। जनरली हिमानी जी होता है जैसे कि आपने कोई रोल किया और आप उस रोल में हिट हो गई, तो उसके बाद लगातार आपको उसी तरह के सेम तरह के रोल ऑफर किए जाते हैं, तो आपके साथ भी क्या इस तरीके का कुछ हुआ है? नहीं हुआ, क्यों नहीं, क्योंकि वो उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। नहीं, वो एक्चुअली इट इज ऑल्सो साइन ऑफ सक्सेस कि आपको एक रोल लोगों ने इतना पसंद किया तो फिर आपको उसी तरह और भी, और हमारे उस टाइम जो 90s का सिनेमा था तो लोग आजकल तो बहुत
विविध तरह के सब्जेक्ट्स और उसमें बन रहे तो बड़ी लिमिटेड थी, फैमिली फिल्में बनती थी लेकिन कैरेक्टर्स बड़ी वो होते थे। अभी जैसे मैंने DDLJ जब किया तो उसमें बुआ का कैरेक्टर इतना ही हिट हुआ, वो जो बुआ थी मैं काजल की, तो उसके बाद पता नहीं कितनी फिल्में मुझे बुआ बुआ, इस फिल्म में भी बुआ, फलाने में बुआ। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि मैंने बुआ का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उससे पहले सिर्फ माँ या ऐसी बहन ही होती थी, बुआ का एक किरदार मेरे आई थिंक वो मेरी देन है कितना सक्सेसफुल बुआ। फिर मुझे हीरो नंबर वन में भी बुआ किया, परदेश सुभाष गई थी परदेश थी उसमें भी बुआ का रोल मिला, लेकिन फिर मैंने ये कोशिश की कि बुआ का किरदार होते हुए भी मैं उसको अलग करूं। जैसे कि आपने किसी तभी ने देखी है DDLJ, दिलवाली की बुआ और हीरो नंबर वन की बुआ और परदेश की बुआ बिल्कुल भिन्न है एक दूसरे, तो वो किरदार मिलने के बाद भी मैंने अवॉइड किया, तो फिर मैंने अपनी तरह से उनको अलग करने की कोशिश की और फिर लोग भी ये समझ गए कि भैया ये एक तरह के रोल नहीं करते। तो मैंने कॉमेडीज भी करी है, सीरियस रोल्स भी किया, अंजाम में नेगेटिव भी किया प्रेम ग्रंथ में, और आई थिंक लोग बोलते थे कि एक तो अनुपम खेर है जो कि वेरियस रोल्स करते थे और महिलाओं में उसका श्रेय मुझे जाता था कि मैं डिफरेंट करती हूँ, कॉमेडी भी करती हूँ, सीरियस भी करती हूँ, नेगेटिव भी करती हूँ। तो आपको सबसे ज्यादा मजा क्या किस तरह का रोल करने में आता है? हर किस्म का, देखिए मैंने हर रोल पूरी शिद्दत के साथ किया है, और चाहे वो दो सीन का कैरेक्टर हो या फुल लेंथ रोल हो उसी पैशन के साथ किया है, क्योंकि मजा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे करने में अच्छा लगता है, और अगर मजा नहीं आता तो आई डोंट एंजॉय इट। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि ये रोल बहुत अच्छा है और वो उतना अच्छा नहीं निकलता है, वो उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से जी जान लगा के कोई भी किरदार हो उसको निभाने की कोशिश की है अपने तरीके से। और तो मतलब ये कितनी सफल और असफल हुई ये तो ऑडियंस बताते होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक चीज और है हिमानी जी, जनरली हर एक का होता है ड्रीम रोल कोई ना कोई, तो आपका भी कोई ना कोई ड्रीम रोल रहा होगा, आपको लगा होगा कि काश ये रोल मुझे मिला होता मैं कर सकती, ऐसा कोई था? ऐसा तो कोई ड्रीम रोल नहीं, पर हाँ जब एक अच्छी फिल्में देखती हूँ मैं, मेरिल स्ट्रीप आज भी देखिए 60 की एज में भी वो लीड रोल कर रही है, या और भी जब वेस्ट की हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को देखती हूँ तो ये होता तो है कि काश ऐसा रोल मैं कर पाती, पर ऐसा कुछ नहीं रहा कि हाँ ये मेरा ड्रीम रोल हो। रोल अच्छे हैं बहुत सारे रोल है हमारे हिंदी सिनेमा में भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हाँ भाई मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मेरा तो ये था कि बस अच्छा काम करने को मिले। क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी बिगिनिंग ऑफ जब हम लोग दिल्ली आए थे कर रही थी, तो मेरे को घर भी चलाना था, तो वर्क सेटिस्फेक्शन भी है और मैं अपने मेरा बेटा हो गया था तो उसको भी सपोर्ट कर सकूं, ये भी मतलब इट वाज माय प्रोफेशन अलोंग विद माय पैशन, तो दोनों ही फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। जी जी, जो भी रोल आपको मिला आपने पूरी शिद्दत से निभाया जी। आपको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है, तो जब वो अवार्ड मिला वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? मतलब क्या है कि वो थिएटर जैसे कि मैंने कहा वो मेरा पहला पैशन है, मेरा पहला प्यार है, और उसमें आपको रिकग्निशन मिले, उससे पहले भी मुझे श्रीकांत वर्मा दैट्स आल्सो अ नेशनल अवार्ड फॉर थिएटर, ये तो नेशनल अवार्ड है, जैसे फिल्मों में नेशनल अवार्ड होते हैं ये थिएटर का
नेशनल अवार्ड है जो कि सरकार द्वारा दिया जाता है। तो मतलब और जब मैं राष्ट्रपति भवन में अवार्ड ले रही थी राष्ट्रपति जी से, और मेरी माँ और मेरा बेटा और मेरा भाई उधर थे, तो इट इज एन इनक्रेडिबल मोमेंट। मतलब बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि आपकी तपस्या का फल मिल गया हो, तो बहुत ही अच्छा लगा। जी जी हिमानी जी, आपने काफी सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, तो कोई ऐसी मूवी जिसको करने में आपको लोगों के साथ बहुत ज्यादा आपने एंजॉय किया हो, ऐसी कोई मूवी आपको याद हो जो? बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि बड़ा फैमिली एंड आई वाज वेरी लकी कि जैसे कि मैंने राजश्री फिल्म्स में काम किया, तो बड़ा उधर फैमिली माहौल होता था। तो जब मैंने वो फिल्म की मतलब हम आपके कौन वगैरह, तो उस टाइम तो मैं नई नई थी, थोड़ी डरी डरी भी रहती थी, लेकिन जब प्रेम की दीवानी करी और उसमें करीना और अभिषेक इन सब के साथ और प्लस सूरज जी के साथ इतना अच्छा ट्यूनिंग हो गई थी पूरे उनके स्टाफ के साथ, तो इतना मजा आया। और न्यूजीलैंड में जो आउटडोर था वो हमने बड़ा एंजॉय किया, और बहुत और एक और बहुत सारी फिल्में, डेविड की फिल्में भी बहुत एंजॉय करी। हीरो नंबर वन हम लोग पूरा यूरोप, और मैं बेटे को भी साथ ले गई थी क्योंकि उसकी छुट्टियां थी उन दिनों, तो पैकअप के बाद सब लोग मिलते थे और बहुत अच्छा माहौल होता था। और इवन ये अपना यशराज फिल्म्स में भी जब DDLJ भी कर रही थी, सब लोग साथ बैठ के खाते थे। आजकल तो अलग सा माहौल हो गया कि सब लोग अपनी अपनी वैनिटी में बैठे रहते, लेकिन वहां यशराज या RK में सब लोग साथ मिलकर खाते थे, तो ऐसा लगता था फैमिली, बड़ा मजा आता था। और एक और बहुत ही खूबसूरत आउटडोर जो एंजॉय किया RK वालों का था, जो आग लौट चले, जो ऋषि कपूर जी डायरेक्ट कर रहे थे, तो हम लोग आई रिमेम्बर मैं पहली बार आई थिंक न्यूयॉर्क गई थी, तो हम लोग मैनहट्टन में, इतना खूबसूरत था, पैदल चल के हम लोग उसको डिस्कवर करते थे न्यूयॉर्क, वहां पे थिएटर देखने जाते थे, और बड़ा मजा आता था। मतलब हर शाम को हम लोग कोई नाटक या कुछ देखने निकल, मेरा ड्रीम कम ट्रू था, थिएटर से आई थी तो मैं देखना चाहती थी कि ब्रॉडवे में क्या हो रहा है, म्यूजिकल्स देखने को मिले, और इतना बढ़िया खाना और सब कुछ, मतलब RK लोगों की खातिरदारी तो मशहूर है, बहुत बढ़िया आउटडोर था और बहुत खूबसूरत मेमोरीज हैं इन सब फिल्मों की। जी, तो हिमानी जी अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? मैं अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद साइंटिस्ट होती, अमेरिका गई होती, रिसर्च कर रही होती, शायद कुछ केमिस्ट्री में कुछ रिसर्च किया होता तो हिमानी जी आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शायद हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपके बचपन से लेकर आपकी जो जर्नी है अब तक की, उसके बारे में काफी कुछ उन्होंने जाना होगा। तो मैं जाते जाते एक चीज आपसे कहना चाहूंगी उत्तराखंड में, हिमानी जी वैसे तो टैलेंट तो बहुत है, कोई कमी नहीं है उत्तराखंड के बच्चों में टैलेंट की, बट उन्हें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, एक्सपोजर नहीं है, है ना? तो ऐसा कुछ क्या किया जाए कि उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म बन सके उत्तराखंड में, कुछ ऐसा आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लगता है, और ये मेरा एक सपना है कि खासकर ये जो हमारा, जैसा आपने कहा, इतना टैलेंट है लोगों में, संगीत की इतनी हमारी जो परंपरा है, उसके बारे में मतलब लोगों को इतना पता ही नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैं NSD में ये लोक कलाओं की ये लोग प्रदर्शनी करते थे, और एक ट्राइबल वो था नेशनल, उसका ओपनिंग थी बॉम्बे में, तो मैं और अनुपम खेर गए थे, तो उसमें सब प्रांतों के कलाकार परफॉर्म कर रहे थे, असम से बिहू था,
साउथ से भी थे, गुजरात से भी था, यहाँ तक हिमाचल प्रदेश का भी रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे पड़ा मेरे दिल, बहुत ब्यूटीफुल इवनिंग थी, बहुत मजा आया, लेकिन मेरे दिल में कहीं ये कशिश, वो एक दुख था कि हमारे उत्तराखंड का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। और जब मैं देखती हूँ कि इतनी सुंदर फिल्में बन रही है, बंगाली, मलयालम, कन्नड़, तमिल और पंजाबी आजकल इतना अच्छा, तो हमारी उत्तराखंड फिल्मों का भी, तो ये मेरा सपना है कि हमारी उत्तराखंड की जो कला है, जो इतना समृद्ध है, और हमारे जो कलाकार है, तो वो भी इतने, उनको भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। क्योंकि लोग तो कहते हैं कि जैसे उत्तराखंड से मैं पहली महिला थी जिसने फिल्म इंडस्ट्री के, लोग बोलते थे कि एक तो बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट और एक तुमने बॉलीवुड कहा उत्तराखंड। और तो ये एक जरूर है कि अब तो खैर बहुत सारे टैलेंट आने लगे सीरियल्स में, लेकिन उस वक्त मैं पहली महिला थी और लोगों को ये बताना मुश्किल होता था कहाँ से वो, मतलब लोगों को पता भी नहीं था कि गढ़वाल भी एक जगह है। अब तो खैर सब जान गए हैं क्योंकि काफी कलाकार आ चुके हैं, चाहे गायक हो चाहे अभिनेत्रियां हो, अभिनय करने वाले हों, लेकिन उस वक्त लोग बहुत कम जानते थे। आई वॉज द फर्स्ट फ्रॉम माई स्टेट टू मेक अ नेम ऑफ माई सेल्फ, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड माई पेरेंट्स के आशीर्वाद से। लेकिन ये मेरे को हमेशा लगता है कि करना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं मेरा ये था कि जब मैं MSc भी पास आउट हुई तो मैंने जाके देहरादून में वर्कशॉप करी यंग लोगों के साथ। और जब मेरे फादर की डॉक्टर हरिदत्त शैलेश की उनकी जब पहली बरसी थी तो मुझे लगा मैं कैसे उनके प्रति अपना स्नेह और श्रद्धा प्रकट करूं। तो मैंने सोचा कि मैं उनकी काम, मेरे पापा लिखते थे उनकी कहानी का मैंने मंचन करा, मेरे सपने जो कि उत्तराखंड की उत्पत्ति के बारे में था, ब्यूटीफुल स्टोरी, उसका मैंने मंचन किया पूरे उत्तराखंड के लोगों के बुलाकर वर्कशॉप की एक महीने की। तो वो क्या, उसके बाद मैं मेरी ये कोशिश रहती थी कि हर साल मैं जाके पापा की कहानी करूं ताकि मैं अपना जो ऋण है वो पूरा कर सकूं। तो ये मेरा एक ड्रीम है कि ऐसी कुछ मैं करूं अपने क्षेत्र के लिए। मानी जी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। काफी टाइम से मेरा ये ड्रीम था कि मैं आपको अपने चैनल पे लेके आऊं, तो वो आज मेरा पूरा हो गया है ड्रीम। तो मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आप जिस तरह से एक शिखर से निकल के शिखर पे पहुंची हैं, तो और आगे बढ़ती जाएं और हमें एंटरटेन करती रहें इसी तरह से। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज आपको आने वाले समय के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू किरण, हाँ जी, प्लेजर टू बी हियर। और आपको और सारे दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थी दोस्तों सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी, जो कि हमारे राज्य उत्तराखंड को बिलोंग करती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको हिमानी जी से मुलाकात करके आज काफी कुछ उनके बारे में जानने को मिला होगा। और इसी तरह की शख्सियतों से रूबरू होने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे इस कार्यक्रम शिखर से शिखर तक में, और जुड़े रहिए मेरे इस चैनल किरण पंत ऑफिशियल से। तो अगले कार्यक्रम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।